Hello friends, welcome to Impact Sports, the world of import and export, the part of Global Federation of Entrepreneurs. Friends, thank you so much जो आप comment कर रहे हैं और without a further ado मैं आज directly question की तरफ बढ़ना चाहूँगा जो कि आज का question पूछा है मयंक गोयल जी ने. वो पूछते हैं sir please tell how to find international buyer for cashew business. So मयंक जी thank you so much for asking the questions. मयंक जी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आप काजू का business शुरू करने जा रहे हैं तो आपको शायद पता हो या नहीं पता हो, फिर भी बता दूं कि काजू का पूरा प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे आता है. सबसे पहला आता है वियतनाम जो कि 22% प्रोडक्शन होता है पूरे वर्ल्ड का. उसके बाद आता है 19% इंडिया का और उसके बाद आता है आइवरी कोस्ट 18%. ये तीन कंट्री ऐसी है जो कि प्रोड्यूस करती है कैश्यू पूरे वर्ल्ड का. सबसे ज्यादा कैश्यू ये तीन कंट्री में से ही एक्सपोर्ट होता है मैक्सिमम. ठीक है, दूसरी चीज, इसका पूरा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी बना हुआ है. एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल मीन्स कि जो भी प्रोडक्ट या जो भी बोल सकते हैं कि सर्विसेज मैक्सिमम हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होती है उन सब का एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल अवेलेबल है. Yes. तो सेकंड चीज, कुछ भी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कैश्यू के रिलेटेड तो आप कैश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल पर जाके आप पूरी डिटेल्स फाइंड कर सकते हैं. आप गूगल भी करेंगे कैश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल तो भी आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी. ठीक है, तीसरी चीज बात करते हैं, अगर आपको प्रोडक्शन के बारे में जानना है, आप जैसे कह रहे हैं कि आपको काजू को जो है वो एक्सपोर्ट करना है, तो इसके प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? चार स्टेट्स के नाम लूंगा. सबसे पहला आता है महाराष्ट्र, सेकंड आता है कर्नाटका, थर्ड आता है केरला और फोर्थ आता है गोवा. ये चार स्टेट हैं अपने इंडिया में जो सबसे ज्यादा काजू प्रोड्यूस करते हैं. अब बात करते हैं आपके डायरेक्टली बिजनेस के बायर्स कैसे मिलेंगे. पहली चीज जो मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, अगर आप इनके मेंबर बनते हैं तो मयंक जी आपको जेन्युइन बायर मिलेंगे इसमें. यस, जेन्युइन और परफेक्ट बायर्स मिलेंगे इसके अंदर. क्यों? क्योंकि जैसे आप रजिस्टर्ड होते हैं वैसे ही एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करती रहती है, नॉट ओनली इंडिया बट आउट ऑफ इंडिया एज वेल, कि जहां पे वो अपना डिमांड क्रिएट करते हैं. अगर जैसे डिमांड क्रिएट होगा वैसे ही आप एज अ एक्सपोर्टर जो इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो तो है बट उनको सप्लाई मिलेगा यहाँ से, तो वो सप्लाई मिलने के लिए वो वहां पे रजिस्टर्ड करते हैं, एग्जीबिशन करते हैं, ट्रेड शोज करते हैं, जिससे यहाँ का एक्सपोर्ट बढ़े. तो उस हिसाब से अगर आप एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं कैश्यू तो बहुत ही बढ़िया है. तो सबसे पहला आपको जो इंटरनेशनल बायर मिलेगा वो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में अगर आप रजिस्टर्ड करते हैं तो वहां से आपको जेन्युइन बायर मिलेगा. सेकंड चीज, आप इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट कर सकते हैं, बट दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, आप कांटेक्ट करेंगे आपको वहां से डेटा भी मिलेगा बट ऑथेंटिकेट डेटा नहीं रहेगा, ऑथेंटिकेट आप ही को करना रहेगा. कैसे ऑथेंटिकेट करेंगे? कल को उठ के अगर आप कोई भी कंपनी के साथ डील करने जा रहे हैं तो वो कंपनी का आप डिटेल्स लेके ECGC करके, हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो डेटा को, सॉरी, जो बायर की कंपनी को ऑथेंटिकेट करती है, तो वहां से आप इंश्योरेंस ले सकते हैं. तो जहां से आपको पता चल जाएगा कि आपको फ्यूचर में या फिर वो पर्टिकुलर बायर के साथ डील करना है या नहीं करना है. दूसरी चीज भी मैं बताना चाहूंगा कि जो भी इंडियन एम्बेसी से आपको डेटा आता है और जिस किसी भी बायर के साथ आपकी डील फाइनल होती है, वो बायर का भी आप डेटा ऑथेंटिकेशन के लिए वो पर्टिकुलर एम्बेसी को ही सेंड कर सकते हैं. बहुत सी एम्बेसीज ऐसी होती है कि जो आपको डेटा ऑथेंटिकेट करके देती है और जो आपको गाइड करती है कि आपको उनके साथ एक्सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. हो गई दूसरी बात. तीसरी बात, जो भी फूड है या एग्रीकल्चर है या स्पाइसेस है, जो भी वहां का एसोसिएशन है आपकी टारगेट कंट्री का, वो टारगेट कंट्री के एसोसिएशन को आपको कांटेक्ट करना है. जो भी आप टारगेट कंट्री को एसोसिएशन को कांटेक्ट करेंगे वहां पर आपको
डिटेल्स वैल्यूएबल पूरा ऑथेंटिकेटेड मिलेगा। ऑथेंटिकेटेड मिलेगा मीन्स के कल को उठ के अगर आपको बायर का डिटेल्स अगर एसोसिएशन से वेरीफाई करवाना तो आप करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां पे मेंबर बना हुआ है और मेंबर तभी बना जाता है जब उन्होंने पूरी डिटेल्स ऑथेंटिकेटेड करी हुई हो, डॉक्यूमेंट सबमिट करे हुए हो, तभी जाके वो डिटेल्स वेरीफाई करते हैं एसोसिएशन। फोर्थ, आप कोई भी कंट्री आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर कंट्री के अंदर आप डेयरी प्रोडक्शन जो भी कर रहे हैं वो कंपनीज को आप आइडेंटिफाई करिए, क्योंकि कैश्यू का अभी उत्पादन बहुत बढ़ रहा है डेयरी प्रोडक्शन में। जैसे काजू बनते हैं, अरे सॉरी, अपने बिस्किट्स बनते हैं जिसमें कैश्यू का यूज होता है। बहुत सी जगह ऐसी होती है जैसे यूएई है, तो यूएई के अंदर काजू की खीर भी वहाँ पे यूज होती है, पूरा अखा काजू यूज होता है। तो मैं आपको एक डिटेल्स यहाँ पे थोड़ी शेयर करना चाहूंगा जिसके अंदर मैंने एक एनालिसिस करा है काजू के ऊपर, तो वो आपको कंट्री भी आइडेंटिफाई हो जाएगा, ना कि आपको पूरे की पूरी 200+ कंट्रीज के ऊपर आइडेंटिफाई करना है डिटेल्स। तो मैं आपको पूरी कंट्रीज की डिटेल्स यहाँ पे शेयर करता हूँ जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है आज की तारीख में ये सब कंट्रीज को। तो आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं जहां पे मैंने सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम लिखा है, उसका HSN कोड क्या आएगा, क्योंकि आपको पर्टिकुलर कंट्री में ये HSN कोड देना रहेगा उनको। हम कौन कौन सी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं, हमने पर्टिकुलर ईयर में कौन सी कंट्री को कितने वैल्यूज का एक्सपोर्ट किया है, कितनी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट किया है, और इतना डिटेल एनालिसिस है कि पर्टिकुलर ईयर में आपने या हमारी कंट्री ने जो एक्सपोर्ट करा है पर्टिकुलर ईयर में कितने रुपए पर केजी में एक्सपोर्ट करा है। तो मयंक जी, आप यहां से पूरी डिटेल्स ले सकते हैं और जो भी कोई कैश्यू का बिजनेस शुरू करना चाहता है वो पूरा डिटेल एनालिसिस आप यहां से चेक कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एनालिसिस मैंने निकाला हुआ है यहां पे। तो आप नन ऑफ द देन के कोई अदर कंट्रीज को टारगेट करते हो, पर्टिकुलर आप ये कंट्रीज को टारगेट करिए। क्यों? क्योंकि ये कंट्रीज इंडिया को फर्स्ट प्रेफरेंस देती है कैश्यू के लिए। अगर इनको कैश्यू इंपोर्ट करना है तो फर्स्ट प्रेफरेंस ये इंडिया को प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, यूएई है, तो यूएई ने 2015-16 में 95,365 लाख का इंपोर्ट किया है, मतलब इंडिया ने इनको एक्सपोर्ट किया है 18,329,000 की क्वांटिटी। किसके सामने? इतने वैल्यूज के सामने इतनी क्वांटिटी एक्सपोर्ट करी है जिसका प्राइस आता है 520 रुपीज पर केजी। तो 520 रुपीज पर केजी के रेट से 2015-16 के अंदर ये कैश्यू यूएई के अंदर एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया से। वैसे ही आप यहां पे डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं, और लास्ट में मैंने ग्रोथ परसेंटेज भी लिखा हुआ है जहां पे आप चेक कर सकते हैं ग्रोथ परसेंटेज कि किसका कितने ईयर, मतलब 2014 से लेकर 2018 तक किसका कितना ग्रोथ रेशियो रहा है। तो ये पूरा डिटेल एनालिसिस मैंने कैश्यू के ऊपर निकाला है। अगर आपको और कोई डिटेल एनालिसिस चाहिए तो प्लीज आप कमेंट करिए। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आप जो भी कमेंट कर रहे हैं, बहुत से लोगों के हम कमेंट जो है वहां पे देख नहीं पाते हैं या हम उनके ऊपर वीडियो नहीं बना पाते हैं, तो आपको कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या इंफॉर्मेशन चाहिए ए से लेकर जेड तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, सो वी हैव लॉन्च्ड आवर एप्लीकेशन, दैट इज अ GFE, ग्लोबल फेडरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स का पूरा एक एप्लीकेशन है जो आप एंड्रॉइड मोबाइल या एंड्रॉइड एप्लीकेशन में डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। अगर आपके पास आईफोन है तो आप क्लास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और ऑर्गेनाइजेशन में आपको लिखना रहेगा GFE, ग्लोबल फेडरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स का GFE, तो वहां से आप डाउनलोड करिए। और आपको कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी या डाउट होता है तो वहां पे एक चैट बॉक्स का ऑप्शन भी है, तो वो चैट बॉक्स के ऑप्शन से भी आप इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। तो जो भी आप यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं यूट्यूब पे, आप वही से वहां पे इंफॉर्मेशन से भी यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि थोड़ा बहुत तो आपको इसमें समझ में आया होगा। अगर आपको और थोड़ा डिटेल एनालिसिस चाहिए इसके अंदर तो प्लीज आप हमें बताइए, वी विल गेट इट फॉर यू। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।